तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौहान और आप देख रहे हैं अरेस्ट टेक्निकल गुरु। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, काफी दिन से आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें बताया गया है आप अपना सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं लॉकडाउन में। तो इसके बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है और किस तरह से आप अपना सीएससी सेंटर इस लॉकडाउन में भी खोल सकते हैं, उसका बिल्कुल लीगल मेथड क्या है और आप ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और जो भी आपने वीडियोस यूट्यूब पर देख रखे हैं, क्या उनमें सही बताया गया है और क्या गलत बताया गया है, सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा क्योंकि आप बाद में भूल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी जिनमें कि बताया गया है, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आर्डर दिखाया गया है और बताया गया है कि इसको आप प्रिंट करके अगर अपनी शॉप पर लगा देते हैं तो आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और आपसे पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेगा आपके अगेंस्ट। देखिएगा, जो भी नोटिफिकेशन दिखाया गया है सबसे पहले आप उसको अच्छे से देखिएगा। जो भी वीडियोस काफ़ी चैनल्स पर अपलोड हुई हैं अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो उनमें जो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है वो किसी अदर स्टेट का नाम लिखा हुआ है, और किसी अदर स्टेट का अगर गवर्नमेंट आर्डर आप दूसरे स्टेट में लगाएंगे तो वो कैसे मानूंगा, आप ये बात खुद समझ सकते हैं। और उन वीडियोस पर काफ़ी सारे कमेंट भी मैंने पढ़े तो वो निगेटिव काफ़ी सारे कमेंट्स थे, और इस टाइप की वीडियो अगर मैं चाहता तो काफ़ी पहले बना सकता था, पर मैं इसको वेरीफाई कर रहा था और वेरीफाई करने के बाद में फाइनली आज जो मेरा एक ओपिनियन बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हरियाणा स्टेट का वो नोटिफिकेशन था और कहा गया है कि भारत में कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी भी राज्य का सीएससी सेंटर वाला ये नोटिफिकेशन यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी ऐसा नोटिफिकेशन ना लगाएं और वेट करें जब तक आपके स्टेट में, आपके राज्य में जब तक कोई भी गवर्नमेंट आर्डर ऐसा नहीं आता है सीएससी सेंटर ओपन करने से रिगार्डिंग, तब तक आप अपना सीएससी सेंटर ओपन ना करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट आर्डर कैसे डाउनलोड करना है और क्या गवर्नमेंट आर्डर। यूपी में अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ है 4 मई को, तो वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप यूपी के सीएससी वीएलई हैं तो आप इस गवर्नमेंट आर्डर को प्रिंट करके अपने सेंटर पर लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ भी आपको काफ़ी सारे काम करने हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये एक आदेश है जो कि अभी यूपी में लागू हुआ है 4 मई को। ये देखिएगा, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 4 मई 2021 को ये आया है गवर्नमेंट आर्डर, और यहाँ पर बताया गया है 6 पॉइंट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति जो भी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं तो वो अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। कोविड के जो मानक हैं उनके अनुसार वो अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। एक बार में 2 व्यक्ति से ज़्यादा सेंटर के अंदर नहीं आना चाहिए, और सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, विदाउट मास्क एंट्री नहीं होना चाहिए। तो सारे रूल्स फॉलो करके सेंटर को ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ में आप अगर किसी बैंक के बीसी हैं तो अपना बैंकिंग आई कार्ड को निकाल लीजिएगा और उसको एक कार्ड होल्डर में लगा करके और उसको अपने पास रखिएगा हमेशा, ठीक है। और शॉप पर डिजी पे वगैरह का जो पास होता है वो भी आपको लगाना है, साथ में इस नोटिस को भी लगा देना है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में ये वाला गवर्नमेंट आर्डर है, कुछ वीडियोज में बताया गया है कि कोई भी इस ऑर्डर को यूज कर सकता है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तभी इस गवर्नमेंट आर्डर को यूज कीजिएगा और तभी आप इसको लगा सकते हैं अपने सेंटर पर, ठीक है। इसमें देखिएगा कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा 11th नंबर पर लिखा हुआ है इसमें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएससी सेंटर ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। तो ये ओनली हरियाणा के लिए मान्य होगा। अगर आप यूपी और हरियाणा के अलावा किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो कैसे आपको अपना गवर्नमेंट आर्डर डाउनलोड करना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद में शासनादेश, आपका जो भी आगे स्टेट का नाम है वो आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने उत्तराखंड डाल दिया है और इसको हम एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है शासनादेश की, वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपके स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट आर्डर कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन में जो शॉप ओपन करनी है उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा।
ठीक है, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी स्टेट का देख सकते हैं। अगर आपके राज्य में कोई भी आदेश हुआ है तभी आप सेंटर को ओपन करें, अदरवाइज ओपन ना करें। तो अब हम आपको बता देते हैं, अगर आप सीसी से किसी भी बैंक के बीसी हैं तो आपको अपना आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और आई कार्ड को कार्ड होल्डर में लगा करके अपने पास रखना है, ठीक है। ये भी आपको शॉप ओपन करने में, सेंटर ओपन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिएगा, यहाँ पर सीसी आईडी अपनी डाल देनी है और यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप सीसी आईडी और पैन नंबर डाल करके सबमिट करेंगे तो आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर निकाल करके दिखा देता हूँ आई कार्ड, आप देख सकते हैं किस तरह का आई कार्ड निकलेगा। देखिएगा, इस तरह से आपका आई कार्ड आएगा। इसको आप निकाल करके और बड़े साइज में प्रिंट करके आप सेंटर पर भी लगा सकते हैं, और जो आई कार्ड साइज होता है उसमें प्रिंट करके अपने आप गले में भी पहन सकते हैं उसको, आई कार्ड होल्डर में डाल करके। तो ये भी आपको सेंटर ओपन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि बैंकिंग का काम जो है वो अति आवश्यक सेवाओं में आता है और गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन देती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और किसी भी तरह की अफवाह पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, और जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर थोड़ा सा लेट मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।